निम्न बिंदुओं पर पहल की जाएगी। फूलों की खेती का विस्तार करने के लिए ऑर्किड और सजावटी पौधों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। पुष्प क्रांति योजना के अंतर्गत 11 करोड़ रुपए व्यय करने का प्रस्ताव किए जाने का प्रस्तावित है। बी फ्लोरा के लिए विशेष वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा और भारतीय मधुमक्खियों की किस्मों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके लिए 4,50,00,000 रुपए व्यय किए जाएंगे। शिटाके और ढिंगरी आदि मशरूम की किस्मों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए तथा मशरूम प्रोसेसिंग एंड कैनिंग के लिए 3 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। जामुन और मेवों की खेती के लिए क्लस्टर बनाए जाएंगे। हाई डेंसिटी किस्मों का पौधारोपण और इम्यूनिटी बूस्टर वाली फसलों की शुरुआत की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश की जनता स्वर्गीय श्री सत्यानंद स्टोक्स की ऋणी है, जिनके प्रयास एवं मार्गदर्शन से 1916 में प्रदेश में सेब का उत्पादन आरंभ हुआ तथा प्रदेश की बागवानी को एक नई दिशा एवं गति प्राप्त हुई। बागवानी क्षेत्र का प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। श्री सत्यानंद स्टोक्स का देहावसान हुए 75 वर्ष हो गए हैं। उनके व्यक्तित्व एवं योगदान के महत्व को ध्यान में रखते हुए मैं घोषणा करता हूं कि उनकी कर्मभूमि शिमला जिला के कोटगढ़, थानाधार व आसपास के क्षेत्र को सत्यानंद स्टोक्स ट्रेल बनाया जाएगा और इसका बहुआयामी स्वरूप बागवानी, पर्यटन एवं भाषा एवं संस्कृति विभागों के समन्वय से विकसित किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, विभिन्न स्थानों पर प्रोसेसिंग एंड कैनिंग यूनिट्स के अतिरिक्त सीए स्टोर स्थापित किए जा रहे हैं। 58 करोड़ रुपए की लागत से चिचोट, रिकोंगपियो, जाबोंग और चंबा में सीए स्टोर का निर्माण 2022-23 में आरंभ कर दिया जाएगा। इसके साथ ही रोहडू, गुम्मा, जड़ोल, टिक्कर, टुटुपानी तथा भुंतर में बन रहे सीए स्टोर तथा ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग हाउसेस का इसी वर्ष लोकार्पण कर दिया जाएगा। इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 75 करोड़ रुपए व्यय किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, 2022-23 के दौरान 91 करोड़ रुपए की लागत से पराला में बन रहे फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट में उत्पादन आरंभ कर दिया जाएगा तथा परवाणु तथा जड़ोल में स्थित फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट का 17 करोड़ की लागत से उन्नयन किया जाएगा। इसके साथ ही पांवटा साहिब, कांगणी तथा शाट में बन रहे मार्केटिंग यार्ड को सितंबर 2022 तक किसानों एवं बागवानों को समर्पित किया जाएगा। परवाणु में बन रहे मार्केटिंग यार्ड को भी मार्च 2023 से पहले पूरा कर लिया जाएगा। इन पर 35 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, बागवानी क्षेत्र में चलाई जा रही विभिन्न लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण कार्य विभिन्न चरणों में है। 2022-23 में लगभग 9,000 हेक्टेयर अतिरिक्त खेती युक्त भूमि में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करवा दी जाएंगी। इस पर 198 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बागवानी विकास परियोजना के सकारात्मक परिणाम देखे जा रहे हैं। इस परियोजना के अंतर्गत शिलारू एवं पालमपुर में 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे, जिसके लिए 18 करोड़ रुपए के प्रावधान को मैं प्रस्तावित करता हूँ। बागवानी क्षेत्र के लिए 2022-23 में 540 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, हाँ जी, कम नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, मैं यहां कहना चाहूंगा, कौन कहता है कामयाबी किस्मत ही तय करती है। कौन कहता है कामयाबी किस्मत ही तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के लिए गौवंश का संरक्षण आस्था का विषय है। आपके माध्यम से मैं सदन का ध्यान वर्तमान सरकार के मंत्रिमंडल की पहली बैठक की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जिसमें हमने गौवंश सेवा का संकल्प लिया था।
हमने न केवल विभागीय स्तर पर बड़ी गौ सेंचुरीज और गौशालाएं गौशालाओं की स्थापना की है, अपितु निजी भागीदारी से भी उत्कृष्ट गौ सदनों को प्रोत्साहन दिया है। प्रदेश में बड़ी संख्या में बेसहारा गायें सड़कों पर दिखाई देती थी। हमारे प्रयासों के चलते गौशालाओं और गौ सेंचुरीज में गौवंश की संख्या 6,000 से बढ़कर के 20,000 हो गई है। हमें विश्वास है कि सरकार के प्रयासों तथा गैर सरकारी एवं समाजसेवी संस्थाओं के सहयोग से हम पूरे प्रदेश में बेसहारा गौवंश की सेवा सुनिश्चित कर देंगे। मैं सभी समाजसेवियों का इस पुनीत कार्य में सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूं। मैं प्रदेशवासियों का भी आह्वान करता हूं कि वे गौवंश के प्रति अपने कर्तव्य को निभाएं। इस संदर्भ में यहां कहना चाहूंगा, सरकार वर्तमान कानूनों में कड़े प्रावधान करेगी ताकि आवश्यकता हुई तो नया कानून भी बनाया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, ये विशेष तौर से जो गाय गौवंश को सड़कों पर छोड़ देते हैं जब वो दूध देना बंद करती हैं, तो ये अमानवीय कार्य है। अब इस वर्ष हमने सर्दी के मौसम में देखा कि बहुत सारी गाय ऐसी छोड़ दी गई थी जो पहाड़ों पर चले गई थी, और बर्फ गिरने के पश्चात उनमें से बहुत सारी बड़ी संख्या में उनकी मृत्यु हुई है, दुखद मृत्यु हुई है जिसको मैं कह सकता हूँ। तो इस दृष्टि से कानून को और सख्त करने की आवश्यकता है। मानवीय दृष्टिकोण आज की तारीख में इस संदर्भ में मैं समझता हूँ कि बहुत आवश्यक है। तो इसलिए इसमें अगर कानून को और कड़ा करने की जरूरत पड़ेगी, और ऐसे लोग जो गाय को छोड़ देते हैं अपना मकसद निकलने के बाद जब वो दूध देना बंद कर देती है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने का जो है कानूनी कार्रवाई करने का प्रावधान मजबूत करने की जरूरत महसूस हो रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2022-23 में 5 बड़ी गौ सेंचुरी एवं गौ सदन की स्थापना तथा हिमाचली पहाड़ी गाय के संरक्षण हेतु एक उत्कृष्ट फार्म स्थापित करने की भी घोषणा करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए निजी गौ सदनों में आश्रित गौ वंश के लिए दिए जाने वाले अनुदान को 500 रुपए प्रति गौ वंश प्रति माह से बढ़ा करके 700 रुपए करने की सहर्ष घोषणा करता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि इस व्यवस्था को अब गोपाल के नाम से जाना जाएगा। सरकारी क्षेत्र के गौ सदनों के अनुदान में आवश्यकता अनुसार समुचित वृद्धि की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, यहां मैं कहना चाहूंगा, जब गाय नहीं होगी तो गोपाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी तो गोपाल कहाँ होंगे, इस दुनिया में हम सब खुशहाल कहाँ होंगे। तो गाय के प्रति जो हमारा एक श्रद्धा का भाव जो है, जिसको हम मांग कहते हैं, वो भाव जो है वो आज की तारीख में कम हो रहा है। इस दृष्टि से ये बहुत आवश्यक है कि हम गौ की सेवा करें। अध्यक्ष महोदय, 2022-23 में डेयरी गतिविधियों के विस्तार के लिए दत्तनगर तथा चक्कर मंडी में प्रतिदिन 50,000 लीटर क्षमता के 2 मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट शुरू किए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, विगत 4 वर्षों में दुग्ध उत्पादन से जुड़े परिवारों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से मैंने दूध खरीद मूल्य में 7 रुपये प्रति लीटर बढ़ोतरी की है। 2022-23 के लिए भी मैं इसमें 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ाने की सहर्ष घोषणा करता हूं। अध्यक्ष महोदय, पशुपालकों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से पहली बार 44 मोबाइल वेटनरी एम्बुलेंसेज चलाई जाएंगी, जिन पर 7 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। पशुपालकों को सहायता उपलब्ध करवाने के लिए कॉल सेंटर की भी स्थापना की जाएगी। पशु पालकों की आय बढ़ाने के लिए रूरल बैकयार्ड शिप डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत 2,000 भेड़ इकाइयां स्थापित की जाएंगी, जिस पर 12 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, 10 करोड़ की लागत से राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम चरण 3 के अंतर्गत 5 लाख गाय वो भैंसों को निशुल्क कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त 7 करोड़ रुपए की लागत से सेक्स सॉर्टेड सीमेन पर आधारित कृत्रिम
कृत्रिम गर्भाधान की व्यवस्था की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री आरोग्य पशुधन योजना के तहत कार्य कर रहे कई ग्राम पंचायत वेटनरी असिस्टेंट, वेटनरी फार्मासिस्ट के पदों पर नियुक्ति के पात्र हो गए हैं। पात्र पशुपालन सहायकों को फार्मासिस्ट के पद पर नियुक्त किया जाएगा। इसके लिए आवश्यकता अनुसार स्कीम अथवा संबंधित नियम में बदलाव किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, पशुपालन क्षेत्र के लिए 2022-23 में 469 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मत्स्य पालन क्षेत्र की क्षमता एवं संभावना को देखते हुए 2022-23 में 120 नई ट्राउट इकाइयों का निर्माण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त राज्य में बायोफॉलिक मत्स्य पालन इकाई, ट्राउट हैचरी, मछली फीड, मिल और बर्फ संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही निजी क्षेत्र में 20 हेक्टेयर में नए मत्स्य पालन तालाबों का निर्माण किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, 2022 के दौरान मछुआरों को आइस बॉक्स सहित 20 थ्री व्हीलर और 80 मोटरसाइकिल, 200 नावें और जाल अनुदान पर प्रदान किए जाएंगे। पुरुषों के लिए यह अनुदान राशि कुल लागत का 40% तथा महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए 60% होगी। मत्स्य पालन क्षेत्र में 2022-23 में ग्रामीण क्षेत्र के 500 युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, सामाजिक सुरक्षा पेंशन आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के जीवन यापन को सरल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हमारी सरकार के लिए यह सर्वोच्च प्राथमिकता है। यही कारण है कि हमारी प्रथम मंत्रिमंडल की बैठक में ऐतिहासिक निर्णय लिया गया, जिसमें बिना किसी आय सीमा के दी जाने वाली बुढ़ापा पेंशन की आयु सीमा को 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष कर दिया गया था, जिसका सीधा लाभ 3 लाख से अधिक लोगों को मिल रहा है। पात्र व्यक्तियों को वर्तमान में 1,500 रुपये प्रति माह पेंशन प्रदान की जा रही है। उपरोक्त के अतिरिक्त गत 4 वर्षों के दौरान हमने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की दरों में चरणबद्ध तरीके से बढ़ोतरी करते हुए निम्नलिखित लाभ दिए हैं। विधवाओं, एकल नारी तथा 70 वर्ष से नीचे वृद्धजनों को मिलने वाली 700 रुपये प्रति माह की पेंशन को बढ़ा करके 1,000 प्रति माह, 70 वर्ष से ऊपर वृद्धजनों तथा 70% अपंगता वाले दिव्यांग जनों को मिलने वाली पेंशन को 1,001 रुपये प्रति माह से बढ़ा करके 1,500 रुपये प्रति माह, 65 वर्ष से 69 वर्ष की आयु वाली महिलाओं को बिना आय सीमा के 1,000 रुपये प्रति माह, कुष्ठ रोगी एवं ट्रांसजेंडर को मिलने वाली 700 रुपये प्रति माह पेंशन को बढ़ा करके 850 रुपये प्रति माह। 2017 तक प्रदेश में 4.25 लाख व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रहे थे, जिन पर लगभग 450 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा रही थी। हमने अपने सरकार के 4 साल के कार्यकाल के अंदर ही 2,20,000 से अधिक नए पात्र लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन की स्वीकृति दी। हमारी सरकार द्वारा वर्तमान में 6,35,000 लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ प्रदान किया जा रहा है। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि 2022-23 में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 40,000 अतिरिक्त आवेदनों को वर्तमान पात्रता शर्तों के आधार पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जाएगी। अभी हाल ही में हमने प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व स्वर्ण जयंती के वर्ष के पूर्ण होने के अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की योजनाओं में पात्रता हेतु वार्षिक आय सीमा को 2014 में 35 वर्ष रुपये की निर्धारित की, जो 2014 में 35,000 रुपये निर्धारित की थी, को बढ़ा करके 50,000 वार्षिक कर दिया है। और इस निर्णय से 60,000 से अधिक
अतिरिक्त लाभार्थियों को बुढ़ापा, विधवा, एकल नारी और दिव्यांगजन पेंशन का लाभ मिलेगा। मैं सहर्ष घोषणा करता हूं, सामाजिक सुरक्षा के प्रति सरकार के दृढ़ संकल्प को दोहराते हुए मैं मेरी सरकार के दृष्टि पत्र में किए गए वादों को पूरा करते हुए सभी के लिए किसी आय सीमा के वृद्धावस्था पेंशन की पात्रता हेतु आयु सीमा घटा करके 60 वर्ष करने की घोषणा करता हूं। अध्यक्ष महोदय, ये हमारी सरकार की एक बहुत बड़ी एक कमिटमेंट है कि बुढ़ापा सबको आएगा, और बुढ़ापा जब आता है तो साथ बहुत कम लोग होते हैं, तो सरकार उनके साथ साथी बनकर के, सहयोगी बनकर के उनका ख्याल रखने के लिए खड़ी हो, ये मुझे लगता है कि एक बहुत पुण्य का कार्य जिसको हमने अपने हाथों में लिया है, उस काम को पूरा करने के लिए एक बड़े संकल्प के रूप में हम आगे बढ़ते हुए 60 साल से ऊपर सभी को आय सीमा में छूट देते हुए पेंशन का प्रावधान करने की हम घोषणा करते हैं। अध्यक्ष महोदय, यहां मैं कहना चाहूंगा, जहां सजदा हो बुजुर्गों का, वहां की तहजीब अच्छी है, जहां लांघे ना कोई मर्यादा वो दहलीज अच्छी है। अध्यक्ष महोदय, मैं 60 वर्ष से 69 वर्ष तक के सभी पात्र लोगों, कुष्ठ रोगियों एवं ट्रांसजेंडर को दी जा रही पेंशन 850 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर के 1000 प्रति माह, विधवाओं और दिव्यांगजनों प्रत्यक्त महिलाओं एवं एकल नारियों को दी जा रही पेंशन 1000 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर के 1150 रुपए प्रति माह, तथा 70 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध जनों एवं 70% से अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांगजनों को दी जा रही पेंशन 1500 रुपए प्रति माह से बढ़ा करके 1700 रुपए करने की भी घोषणा करता हूं। इसके साथ जो हमारे 70 साल के ऊपर में जो हमने घोषणा की है पहली कैबिनेट की बैठक में, जिनको अभी तक हम 1500 रुपए पेंशन देते थे, उन सभी को अब 1700 रुपए वो पेंशन प्राप्त होगी। अध्यक्ष महोदय, हमने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की वृद्धि को संख्या एवं परिव्यय दोनों की ही दृष्टि से प्रभावी विस्तार किया है। परिणाम स्वरूप 2022-23 में 7,50,000 से अधिक व्यक्ति इस योजना से लाभ उठा पाएंगे एवं 2017-18 में इस पर होने वाला 450 करोड़ रुपए के व्यय की तुलना में 2022-23 में 1,300 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे, लगभग 3 times, लेकिन लगभग तीन गुना जो है इसमें बढ़ोतरी हमारे कार्यकाल में इसमें हो रही है। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार हमारी सरकार ने अपने कार्यकाल में ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के परिव्यय में 3 गुना वृद्धि की है। अध्यक्ष महोदय, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए इस बजट में घोषित लाभों का सार निम्न प्रकार से है। पेंशन में वृद्धि, ऐसे सभी वर्ग जो वर्तमान में 850 रुपए प्रति माह की पेंशन पा रहे हैं, अब 1000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। ऐसे सभी वर्ग जो वर्तमान में 1000 प्रति माह की पेंशन पा रहे हैं को अब 1150 रुपए प्रति माह मिलेंगे। ऐसे सभी वर्ग जो वर्तमान में 1500 रुपए प्रति माह की पेंशन पा रहे हैं को अब 1700 रुपए पेंशन प्रदान प्रति माह मिलेगा।
अध्यक्ष महोदय, 60 से 65 वर्ष की आयु की महिलाएं बिना किसी आय सीमा के वृद्धावस्था पेंशन का लाभ पाने की पात्र होंगी। 60 से 69 वर्ष की आयु की पुरुष बिना आय सीमा के वृद्धावस्था पेंशन का लाभ लेने के पात्र होंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं यहाँ कहना चाहूँगा, सबकी दुआओं को दिल में उतारना है, सबकी दुआओं को दिल में उतारना है, हमको तो हर घर का चूल्हा संवारना है। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश एवं राष्ट्र के निर्माण में हमारी माताओं और बहनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हमारी सरकार महिला सशक्तिकरण एवं जेंडर इक्वालिटी के लिए तत्परता से प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध रही है। एक नई पहल करते हुए 2022-23 में एक अलग से जेंडर बजट स्टेटमेंट सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। इस स्टेटमेंट में ऐसी योजनाओं का विस्तृत वर्णन किया गया है जिनके अंतर्गत महिलाओं के लिए सहायता उपलब्ध है। इस स्टेटमेंट के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं की समीक्षा तथा उनमें महिलाओं से संवाद के पश्चात आवश्यक परिवर्तन करने में सहायता मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले बजट अनुमान प्रस्तुत करते समय सदन को यह सूचित किया था कि हमारी सरकार बच्चों में स्टंटिंग, वेस्टिंग, कुपोषण एवं अनीमिया को समाप्त करने के लिए कृतसंकल्प है तथा हम नीति आयोग के साथ मिलकर इस गंभीर विषय पर एक स्टडी करवाएंगे जिसके आधार पर एक एक्शन प्लान बनाया जाएगा। प्रदेश सरकार ने इस संबंध में डॉक्टर वीके पॉल, जो नीति आयोग के सदस्य हैं, के साथ विस्तृत विचार विमर्श किया व एक्शन प्लान बना लिया है। बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने के लिए एक नई मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना प्रारंभ की जाएगी। यह योजना 7 स्तंभों पर आधारित होगी। बच्चों के शारीरिक वृद्धि में 2 मूल बीमारियां, डायरिया तथा निमोनिया का शीघ्र पता लगाना और इसका सही उपचार करना, कम वजन वाले नवजात शिशु एवं कुपोषण से संभावित प्रभावित होने वाले बच्चों के स्वास्थ्य की गहन निगरानी व सतत समीक्षा, पूरक पोषाहार के लिए उपयुक्त प्रोटीन युक्त आहार, बच्चों, गर्भवती धात्री महिलाओं में अनीमिया के उपचार के लिए विशेष प्रयास, उच्च रक्तचाप और अनीमिया से पीड़ित गर्भवती व धात्री दूध पिलाने वाली माताएं की समय रहते पहचान और उपचार, कुपोषित बच्चों का सही उपचार, आईईसी और मॉनिटरिंग पर विशेष बल। अध्यक्ष महोदय, यह योजना भारत सरकार और राज्य सरकार के परस्पर समन्वय तथा प्रदेश के महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग और प्रारंभिक शिक्षा विभाग के तालमेल से चलाई जाएगी। यह अति आवश्यक है कि सभी विभागों के मध्य संपूर्ण समन्वय स्थापित हो और इनके कर्मियों के मध्य नियमित संवाद हो जिसके आधार पर आवश्यक सूचकांक का चयन हो। इसके लिए सुदृढ़ इंटरफेस, पोर्टेबिलिटी और डाटा इंटरपोर्टेबिलिटी सुनिश्चित की जाएगी तथा विस्तृत दिशा निर्देशों सहित मॉनिटरिंग मैकेनिज्म 2 माह में जारी कर दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना के अंतर्गत मैं 65 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में रख रहा हूँ। भारत सरकार से भी इसमें अतिरिक्त सहयोग प्राप्त होगा। अध्यक्ष महोदय, महिला एवं बाल विकास के लिए विकास के महत्व को स्वीकार करते हुए केंद्रीय बजट में महिलाओं और बच्चों को लाभ प्रदान करने के लिए सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2 योजना को नया रूप दिया गया है। मैं सदन को अवगत करवाना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में 18,925 आंगनबाड़ी केंद्रों में से केवल 2,138 आंगनबाड़ी केंद्र विभागीय भवनों में चलाए जा रहे हैं। इस दिशा में पहल करते हुए मैं 1,000 नए आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण की भी घोषणा करता हूं।
भवन निर्माण भारत सरकार, राज्य सरकार और मनरेगा के परस्पर समन्वय से किया जाएगा। वह इस पर लगभग 70 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में प्रदेश में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों में से 6,718 आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों के रूप में स्थापित किया जा चुका है। इन मॉडल केंद्रों में स्लाइड